गाइस अभी हम घर आ गए हैं, लेकिन एक हादसा हो गया है। क्या वो बताए क्या? पीछे का रास्ता दिख भी नहीं रहा इधर। जो गाड़ी आ रही है, गाड़ी है ना, दिख रहा है गाड़ी? वो इधर पीछे अंदर में कोई दिखेगा क्या? हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आज है थर्सडे। थर्सडे इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से एक्चुअली क्या पता था, मोबाइल खराब हो गया, मेरे वो चार्ज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। बीच में भी एक बार हुआ था ऐसे, तो दुकान पे लेके गए तो मुझे लगा वो पोर्ट खराब हुआ है क्या, फिर बोला कि नहीं उधर बोले दूर जिसकी वजह से चार्ज नहीं हो रहा है। तो धूप देखो, धूप रेडी हो गई है, परेशान कर रही है। तो फिर अभी भी सेम ही हुआ है क्या, मुझे समझ तो नहीं आ रहा। अभी सुबह से तो कैसे भी करके मतलब पकड़ पकड़ के चार्ज दिया है, थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है अभी। तो मैंने कैमरा ऑन करके बात कर लेते हैं। अभी शाम में इसको बोल रहा है कि जाते हैं दिखा के लाइट, इसको देखा चीज देखा मैड, ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है। तो अभी इसको थोड़ा बाहर लेके जाते हैं, ऑफिस का काम आज बहुत जल्दी खत्म हो गया, बिकॉज ऑफिस टाइम पे मैंने मोबाइल देखा नहीं, इसकी वजह से काम जल्दी खत्म हो गया आज। तो ये रेडी होके अब निकलने वाले हैं हम तीनों, इसको पहले लेके जाते हैं, घुमाते हैं, फिर देखते हैं अगर चाय पीना होगा तो बाहर से चाय पी लेंगे, और नहीं तो फिर घर पे आकर आना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा बाहर लेके जाओ, बिकॉज बहुत दिनों बाद मेरे ऑफिस का काम है, लेकिन एज यूजुअल इसको लेके नहीं जाना, कभी नहीं लेके जाना होता उसको मुझे बाहर। डुगू दोनों के दोनों बाप बेटी सेम है। चलो जाते नहीं तो कोई ऐसी चीज लग रही है। ये रेडी होके बैठी है, इसके डैड का अभी तक वॉर्निंग के मास्क पहने गया अभी क्या लेके पता नहीं। मैडम बैठी है, इसने आज देखो कैसे क्यूट है ना, इसका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा बहुत ज्यादा क्यूट है, और ये जो क्यूटी है इसकी तरह। आज डुगू को बोला है मैंने पपी चोरी करके लाएंगे हम ना। डुगू मेरे घर के जिधर पीछे जाता ना, दो पपी है, दो तीन चार पपी है, तो मैंने डुगू को बोला आज पपी चोरी करके लाएंगे हम, पपी चोरी करके लाएंगे। शैडो डुगू से बिल्कुल भाव नहीं देती है, पसंद नहीं करती है शैडो को। शैडो इधर वैसे बहुत सारे लोगों के पास डॉग है अपने सोसाइटी में, तो ऐसे शाम में सब लेके निकलते हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो लोग, तो फिर थोड़ा बहुत उनकी भी चिटचाट हो जाती है, और हम पेरेंट्स को भी थोड़ा चिट। अगर हम इधर घर के सामने सारी सब्जियाँ मिलती हैं, इधर से कभी कभी लेते हैं, और ये होटल है जिसे चाय वगैरह पी सकते हैं। अभी मैं डुगू को लेके आती हूँ तो इतना डिटेल में नहीं दिखा पाती हूँ, मगर उसको लेके ना पॉसिबल नहीं होता है। इधर ये चाट वगैरह का है, उधर चिकन का है, इधर साइड में ये गैराज है, सब सामने ही है, मतलब सोसाइटी के उधर वो मेडिकल शॉप है, सब सामने ही है, दूर नहीं जाना पड़ता है। बोलेंगे देखो नागिन कुछ नहीं हुआ, मेरे मरने के बाद मेरे डुगू को तो मेरे भाई का दहेज दे देते दे हैं, मेरी प्रॉपर्टी के हिसाब से दे देंगे। समझेंगे सोसाइटी के लोग भी बोलेंगे देखो देखो नागिन से नागिन को नाग ने काटा तो वो नाग मर गया। भालू से मैं नागिन, इंसानी नागिन, पहले ही पता था नागिन में तो शादी क्यों किया, मैंने थोड़ी बोला था। उधर दो है, खेलने का शौक है, तीन है उधर, खतरों से खेलने का शौक है आपको, दस दस नागिन दस। ऐसे सुनने मिलती है मुझे, ताने बाजे सुनने मिलती है, इंसानी नागिन। पूरी झुंडी है इधर, ये सब डुगू को देख के भाग गए, भागे मतलब पहले चिल्ला रहे थे और डुगू के पीछे पीछे आएंगे, सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये मेरी बहुत पदूरी, ये दूसरा एरिया है, उधर से ऐसा टर्न लेके आते हैं, ये वाला पूरा प्लॉटिंग का साइड है, इन्होंने ऐसा गार्डन के लिए बना के रखा है जगह पूरा। ये अभी चिल्लाते ही रहेंगे, ये फॉरेस्ट का दूसरा साइड है,
ये है वो एंड का रास्ता, इधर रास्ता ख़त्म हो जाता है उधर टनल के, किधर से जाते हैं मुझे पता नहीं, और इधर से ना पहाड़ के ऊपर जा सकते हो, ये तो और भी घना जंगल है। वो रास्ता दिख रहा है ना, ये रास्ता उधर से किधर तो जाते हैं पता नहीं, लोग जाते हैं लेकिन इधर उधर से लोग घर बन रहे हैं वो इधर। हमने भी इधर देखा था प्लॉट लेकिन लिया नहीं, सर देख के ही रखा, जब तक देख के डिसाइड किया क्या, जब तक देख के डिसाइड किया कि लेना है कि नहीं, तब तक तो प्लॉट बिक भी गया। अभी लोगों ने प्लॉट लिया है, लेने के बाद वापस उन्होंने बेचने के लिए भी रखा है, मतलब जगह ही डिसाइड नहीं कर पाए कौन से साइड पर लेना है। हम जो साइड में रहते हैं उधर थोड़ा चीप में मिलता है, बाकी सिटी वगैरह साइड में जाओ ना तो प्लॉट बहुत ज़्यादा महंगा है, प्लॉट फ्लैट सब भी, एंड कंजस्टेड है बहुत, गर्दी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे खोला मेला जगह पर रहना पसंद है, मतलब थोड़ा नेचर के बीच में, ऐसे पेड़ वगैरह ज़्यादा रहेंगे, ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद नहीं है। ऐसे चार इधर रहते हैं सब चारों ओर बिल्डिंग ऐसे पसंद नहीं है। अभी जैसे इधर घर में बालकनी के सामने खड़े हो तो लो अच्छा व्यू अच्छा दिखता है, कुछ सोसाइटी के ऐसे कि बालकनी के सामने खड़े हो तो सर बिल्डिंग से घर कुछ दिखते ही, तो वैसा नहीं चाहिए, ऐसा अच्छा ऐसे बैठ कर चाहिए, तो इसलिए मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और जो अच्छे लग रहे हैं वो मतलब बजट में भी नहीं आ रहे, थोड़ा बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। अभी लेना तो है लेकिन सोच के तो रखा, देखते हैं अभी। ये लेकिन गया मुझे लगातार आई किसी भी दिखा दूँगी थोड़ा, लेकिन जो आई लेकिन ही गया एज यूजल, उसको गाड़ी से चलाना है, कैब बुक करो ये करो वो करो, घर के सामने तो दिखा उससे चाहिए, अगर मैं घर तक चाहिए तो नहीं देती थी तुम घर पे जाके चाय बना के, इसलिए मैंने यहाँ से पिलाया। हमेशा ऐसे खाना बनने का ही काम रहता है इसका, मतलब वो भी कभी कभी नहीं मिलता है। आज मुझे खाना बनाना, देखो आज भी भूखा मरूंगा मैं, रोज रोज खाना बनने का थोड़ी मन करता है, खाना बराबर याद रहता है रोज रोज, नहीं बनाने का मन नहीं होगा लेकिन हमारा गाइस। अभी हम घर आ गए हैं लेकिन एक हादसा हो गया है, क्या वो बताया क्या, आज जाते टाइम ना मैं मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा के गई थी, तो जब पहाड़ पे शूट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड का मोबाइल लिया था, और उसका ऐसा है कि मोबाइल पे फ्लिप कवर लगाया हुआ है, और फ्लिप कवर के साइड में जो पॉकेट्स होते हैं उधर उसके सारे कार्ड्स रहते हैं। तो अभी घर आने के बाद जब वो उसने मोबाइल लिया, मतलब चेक किया तो देखा क्रेडिट कार्ड गिर गया उसमें से। अब ये समझ तो नहीं आ रहा है कि जब मैं शूट कर रही थी वो टाइम पे गिरा था, अभी को शूट करने के बाद मोबाइल मेरे पास ही था, फिर जब हम लोगों ने चाय वगैरह पिया तब उसके हाथ पे मेरा मोबाइल दे दिया था, तो वो गया है वापस जा गए थे, वो पीछे अंदर अभी उजाता है पूरा उधर, वो रास्ता पूरा गया है वो ढूंढने के लिए, लेकिन वो अभी कॉल करके बोला उसने कि मिला नहीं उसको क्रेडिट कार्ड, घर पर भी मैंने देखा घर पर भी नहीं मिला, पता नहीं क्या होगा अभी। वैसे ब्लॉक करने पे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका उसकी जगह अगर मैं होती ना तो मेरा बुरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता। अभी उसने कॉल वो कुछ तो कॉल आ गया था जिस वजह से मुझे वीडियो बंद करना पड़ा, तो हाँ मैं क्या बोल रही थी, उसकी जगह अगर मैं होती ना तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होता, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बहुत शांत दिमाग के, तो उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, और मुझे ये भी कन्फर्म नहीं है कि सच में मेरे हाथ से गिरा है कि क्या, लेकिन वो अगर बोल रहा है कि गिरा है बाहर से, पूरे रास्ते में मेरे हाथ में बोलता था मेरे इसमें से गिरा हो, लेकिन गिरा कैसे यार वो ही नहीं समझ रहा, बुरा लग रहा है बहुत। और अभी क्या कार्ड वगैरह सारे वाईफाई पे चलता है ना, पिन वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है, तो देखते हैं। मैंने उसको बोला तो है अभी आने के बाद सीधा कार्ड ब्लॉक करना है, देखते हैं मैं बताती हूँ आगे जाके क्या होता है। ये देखो ये पीछे दिख रहा है, वो पीछे का रास्ता दिख भी नहीं रहा है इधर, जो गाड़ी आ रही है, गाड़ी है ना दिख रहा है गाड़ी, वो इधर पीछे अंदर में कोई दिखेगा क्या, तो वो जो लाइट्स जल रहे हैं उधर
उधर तक गए थे हम लोग। शायद मेरे हस्बैंड ही आ रहे हैं, ये वाला मिला नहीं उसको, पता नहीं यार गाली करेगी लगता। तो फाइनली ना हमारा कार्ड मिला नहीं एक्चुअली, और मनीष ने कुछ बोला भी नहीं मुझे, उसको खुद नहीं पता एक्चुअली मेरे हाथ से गया है कि उसके हाथ से गया है। तब एंड में जाके कार्ड ब्लॉक किया है हमने, नया कार्ड पे ऑलरेडी इशू हो गया है, अभी देखते हैं मे बी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। लेकिन मुझे यही नहीं समझा कि वो कार्ड गिरा तो गिरा कैसे, मतलब उतना ढीला भी नहीं था पॉकेट। अभी इसको क्या है और मेरी भी इतनी किस्मत खराब है, पता है कि आज ही के दिन मेरे को इसका मोबाइल लेना था वीडियो करने के लिए। अब इसको खुद भी नहीं पता कि मेरे हाथ से गया कि इसके हाथ से गया करके। कल मैं वापस से जब डुगू को लेके जाऊंगी ना, वैसे तो पूरा रास्ता वो देख के आएगा, लेकिन कल मैं वापस से जब डुगू को लेके जाऊंगी तो एक बार पूरा देखूंगी। जैसे हम जो रास्ते में आए तो ना इतना भीड़ तो रहता नहीं, और हम आने के बाद एकदम से अंधेरा हो गया, वो रास्ते पे इतना कोई लोग रहता ही नहीं है, फिर नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ में गए, कार्ड गिरा और किसी ने उठा लिया, पता नहीं भी क्या होगा, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज सोचा था खाना नहीं बनाऊँगी, बाहर से मंगाऊँगी, लेकिन अभी मूड ऑफ हो गया मेरा, तो अभी खाना बनाऊँगी जाके। चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।